नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दिल्ली सल्तनत के राजवंश और उनके संस्थापकों को याद करने का एक आसान ट्रिक। बड़ा ही फनी और मज़ेदार ट्रिक है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन राजवंशों को क्रमानुसार याद करने का ट्रिक देखा था, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग राजवंशों के संस्थापक कौन थे इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पांच राजवंशों ने शासन किया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने इन पांचों राजवंशों को याद करने का एक आसान ट्रिक बताया था। अभी तक अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। तो इन पांच राजवंशों के संस्थापक कौन थे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, या फिर सीधे सीधे इन पांचों राजवंशों के नाम दे देगा एक तरफ और दूसरे तरफ दे देगा इनके संस्थापकों को। क्या करने को बोलेगा, जोड़ी मिलाओ, आपको जोड़ी मिलाना होगा कि किस वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको याद रखना होगा। अब याद कैसे रखोगे, या तो आप लोग याद कर लो, या फिर याद नहीं होता है तो इसके लिए मैं एक मजेदार सा ट्रिक लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पिछला वाला वीडियो देखना है जिसमें आपको इन राजवंशों के नामों को क्रमानुसार याद कर लेना है। वो आप लोगों को याद हो गया तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा आज मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन किस राजवंश का संस्थापक है। तो सबसे पहला राजवंश गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक था, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने स्थापना की। दूसरा राजवंश खिलजी वंश, खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक था, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की। तीसरा है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 तक, और ये जो है संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद है सैयद वंश, सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक था, इसका संस्थापक है खिजर खां। उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश का कार्यकाल है 1451 से 1526, और संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी। अच्छा, एक और मैं बात बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है ना, अगर अभी तक आपने पूरा दिल्ली सल्तनत डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिटेल में वीडियो। हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तो उसको भी जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका ट्रिक बताया था तो वो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इसका ट्रिक देखते हैं कि किस वंश का संस्थापक कौन है। तो ट्रिक इस प्रकार है, तो कुत्ता जल गया तो खुजली बहुत हुआ, कुत्ता जल गया तो खुजली बहुत हुआ। तो यहां पर जो कुत्ता है उससे मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जो है यहाँ पर कुत्ता इससे कंपेयर किया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करें, कुछ थोड़ा सा उस टाइप का बन रहा था, मज़ेदार एक बन रहा था। तो उसके लिए अगर किसी की भावनाएं कुछ, मतलब किसी को कुछ बुरा लगता है तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ। तो बस ये आप लोगों को याद करने के लिए। तो कुत्ता से आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कुत्ता। हाँ, उसके बाद जल, जल से क्या याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी, पीछे भी देखते चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे कुत्ता, और जलालुद्दीन का जल, जलालुद्दीन का क्या, जल। गया, गया से क्या पकड़ना है आपको, गया से गयासुद्दीन तुगलक, गया से गयासुद्दीन तुगलक ये। उसके बाद अरे कहाँ गया, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद खुजली, ये जो तो है ना ये साइलेंट है, खुजली, खुजली से पकड़ना है खिजर खां, खुजली से खिजर खां, बहुत से पकड़ना है बहलोल लोधी। एक बार फिर से देखते हैं, कुत्ता, कुत्ता से कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। जल से जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। गया से गयासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो यहाँ साइलेंट है। खुजली से खिजर खां जिसने खिजर वंश की स्थापना की। उसके बाद है बहुत, बहुत से बहलोल लोधी जिसने लोधी वंश की स्थापना की। यहाँ पर हुआ ये साइलेंट है। तो कुत्ता जल गया तो खुजली बहुत हुआ, कुत्ता जल गया तो खुजली बहुत हुआ, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये सीधा सीधा आपको ये ट्रिक याद रखना है, मतलब इनका क्रम एक प्रकार से, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर खिजर खां, फिर बहलोल लोधी, और इधर ये वाला ट्रिक। पिछला वाला वीडियो देखिएगा इस ट्रिक को याद करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों के शासकों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं इस यहां से। तो कुत्ता, सॉरी, कुत्ता जल गया तो
बहुत खुजली हुआ। तो कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खुजली से खिजर खां और बहुत से बहलोल लोदी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।